कॉल टुडे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। अब ना उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौजूद है, ये इलाका है मल्लकपुर का। दरअसल आपको हम बता दें, पुलिस का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। पुलिस ने फरवरी 2019 में ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़की लापता थी, जिसका शव भी बरामद कर लिया। और उसके बाद पुलिस ने उसके पिता और उसके भाई और उसके एक रिश्तेदार को जेल की सलाखों में डालते हुए कि इन्होंने हॉनर किलिंग के तहत कर दिया। यूपी के अमरोहा जनपद में एक किशोरी की हत्या के आरोप में निर्दोष पिता, भाई और रिश्तेदार को ऑनर किलिंग में जेल भेजने के मामले में न्यायालय ने आदमपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों पर पंजीकृत FIR के संबंध में स्पष्ट करना है कि वादी श्री सुरेश पुत्र देवी सिंह ग्राम मल्लकपुर PS आदमपुर द्वारा 156(3) CRPC में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में दिनांक 23/10/21 को थाना आदमपुर पर अपराध संख्या 286/21 धारा 193, 194, 342, 344 IPC का अभियोग तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आदमपुर अशोक कुमार शर्मा सहित 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना वर्तमान प्रभारी निरीक्षक आदमपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य साक्ष्य पाए जाते हैं उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में षड्यंत्रकारी पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए परिजनों की रिहाई हो चुकी है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। मेरी बहन 6 फरवरी को गायब हुई थी। जब 6 फरवरी को हुई थी तो जो पुलिस ने जो 18 फरवरी का ये मेरे पिताजी को मार पीट गए और जेल भेज दिया, और बहुत हेकड़ मार लगाई थी इस थाने वालों ने। आज कत्ल केस लगाया, मटर भी लगाया और जो बहुत गहरा केस आया उन्होंने साहब। ये जेल में मेरे पिताजी जेल में है। और कौन कौन है जेल में? मेरा जेल में मेरा भाई है रुकसोर, मेरे पिताजी हैं सुरेश, एक लौंडा और है शीशो वाली का, उसे देविंदर, उसे साहब पहले उसे पीटा। इन्होंने जो रिकॉर्डिंग बना ली जो उसकी वीडियो हमारे पापा दिखा दी, हमारे पापा पकड़ लाए, मार फिर बहुत बुरी तरीके से। जब रिकॉर्डिंग बना लाई तो फिर जो है उसने भी इन्होंने कह दी कैसा मर टाइम मार, जब फिर मार फिर तो उन्होंने कह दी कि लड़की तूने मार दी, उन्हें मार दी, जब मार गैर साहब फेरी तो फिर आई लड़की जिंदी पाई गई है थाने आदमपुर थाने में। आज लड़की कोरारे में मिल गई हमारी, पकड़ ली हमने। पुलिस ने कोई हमारी सुनवाई ना करी, 2 घंटे में पुलिस गई है हूँ। फिलहाल आप जिस तरह से पता चला है, जो नाबालिग लड़की थी वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी, लेकिन फरार के तहत जिस तरह से उसके एक बच्चा भी बताया जा रहा है, मौत जिस तरह से उसकी हत्या का खुलासा किया था, लेकिन वो जिंदा है। फिलहाल पुलिस ने जिस तरह से कहावत है कि रस्सी का सांप बनाना, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रस्सी का सांप पुलिस का सीधा दिखाई देता है। अब देखना यह है कि किस तरह से जो उसके बेगुनाह बाप, उसका भाई और एक रिश्तेदार 1 साल से जेलों की सलाख में है, अब सलाखों के पीछे ये 11 पुलिस कर्मचारी और एक इंस्पेक्टर किस तरह से जाते हैं। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।